हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो सीरीज का ये हमारा है लेक्चर नंबर 9। इसमें हम देखने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल वगैरह वगैरह। एक लॉजिक गेट्स है एंड गेट, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन होता है लॉजिक सिंबल होता है ये, ठीक है। ये होते हैं इनपुट्स, इनके आप नाम दे दो, ये इनपुट हैं, ठीक है। ये होते हैं आउटपुट, ठीक है। ये आउटपुट हो गए, अब ये इनपुट। इनपुट यहाँ पर दो है, आप दो तीन जितनी लगानी है उतनी लगा लो। जैसे अगर आप तीन लगाते हो इनपुट ABC, थ्री इनपुट ले लो, लेकिन आउटपुट एक ही होगा, ठीक है। ये हो गया लॉजिक सिंबल, लॉजिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बोले तो आउटपुट इन टर्म ऑफ इनपुट। वाई हमारा आउटपुट है, अगर हमारा दो इनपुट है तो ए बी क्या होगा, दो भी इनपुट हमारा वैल्यू होगा उनका प्रोडक्ट। अगर थ्री इनपुट है तो ए बी सी, अगर कोई चार इनपुट है, अगर ए बी सी डी किया है तो ए बी सी डी, जितने इनपुट है उतने। ये हो गया लॉजिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इनका आता है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे किस इनपुट पे क्या आउटपुट होगा, ठीक है। ये हमारे इनपुट हैं ए बी, मैं अभी टू इनपुट का लॉजिक ट्रूथ टेबल बना रहा हूँ। 00 01 10 11, ठीक है। तो आप इसके वैल्यू को लॉजिक एक्सप्रेशन में पुट कीजिए। 00 0 01 मल्टीप्लाई होगा 0 10 0 11 1। और ये जो लिखने का है ना तरीका 00 01 10 1, ये एक्चुअली है क्या है, ये बाइनरी नंबर है। 0 का बाइनरी नंबर, 1 का बाइनरी नंबर, 2 का और 3 का, ठीक है। जैसे अगर आप थ्री इनपुट है तो कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 8 कॉम्बिनेशन होंगे। अगर आप ए बी सी और वाई लेते हो, ठीक है। तब आप 0 0 0 लिख रहे हो, 0 0 1 कब कैसे होगा, आप साइड में एक बार लिख लो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर है। आपको सिंपल क्या करना है, इन नंबर का बाइनरी लिख देना है। 1 का बाइनरी लिख दिया, 2 का बाइनरी लिख दिया, 3 4 5 का बाइनरी, 6 का एंड 7 का, ठीक है। अब इसका एंड गेट का है 0 0 0 होगा। अगर एक भी 0 आ गया तो 0 ही हो जाएगा, 0 0 0 फाइनली 1। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल हो गया किसका, एंड गेट का, जब हमारा इनपुट क्या हो, 3 इनपुट हो। अब हम देखते हैं और गेट। और गेट का सब में वही देखना है हमें, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ट्रूथ टेबल। तो और गेट ऐसा होता है, ठीक है। इसका ये सिंबल होता है, ये दोनों इनपुट ए बी और ये आउटपुट। आप इसमें भी एंड गेट की तरह मल्टीपल इनपुट ले सकते हैं, 2 3 4 5 जैसे लेना, उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सप्रेशन चेंज होते रहेगा। जैसे अगर आप दो इनपुट लिए हैं तो इसका एक्सप्रेशन होता है ए प्लस बी, ठीक है। अगर आप थ्री इनपुट लिए हैं आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आपका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, बस यहाँ पर थ्री इनपुट रिप्रेजेंट कर देना होगा। जितने इनपुट लगाओगे उतने यहाँ पर इनपुट आपको रिप्रेजेंट करना होगा, सिंगल आउटपुट, ठीक है। ये हो गया एक लॉजिक सिंबल एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल अगर हम टोका लेते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, इसका क्या होगा, अगर 0 पे 0 0 1 1 1, कैसे 0 0 को इसमें पुट करो, 0 0 को ऐड करोगे 0 ही होगा, 1 0 को ऐड करोगे तो 1 होगा, 1 0 को ऐड करो फिर 1 होगा, 1 1 को भी ऐड करोगे
तो आपके अनुसार वन वन को ऐड किया हो तो रहा है टू, लेकिन हम तो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं क्या बाइनरी में, तो आप टू लिख नहीं सकते, तो आपको जीरो और वन यहाँ पर करना क्या है कि ये हाई इनपुट है, ये भी हाई इनपुट है, तो और गेट में दोनों हाई इनपुट है, तो हमारा इनपुट क्या आउटपुट क्या होगा वो भी हाई होगा, ठीक है। ये बस वन और जीरो क्या कर रहा है, वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा वोल्टेज लेवल लो है या हाई है, तो अगर दोनों अगर हाई है इट मीन्स हमारा आउटपुट भी हाई होगा। एक और गेट होता है नॉट गेट, उसका सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, इसमें सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ये, और इसका काम क्या होता है, आप जीरो दो वन देगा, वन दो जीरो देगा, ठीक है। अगर आप इसका ट्रुथ टेबल बनाओ जीरो पे वन वन पे जीरो, ये एज ए इन्वर्टर का काम करता है एंड गेट, आप जो भी वैल्यू दोगे उसका अपोजिट में देगा। एक एक क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज एओआई लॉजिक सर्किट। अब लॉजिक सर्किट क्या होता है कि लॉजिक सर्किट कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट से बने होते हैं, और वो कोई लॉजिक सर्किट क्या करेगा, एक पार्टिकुलर काम करेगा, वर्क करेगा, जैसे मल्टीप्लेक्सर हो गया, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, तो वो सारे लॉजिक गेट से ही मिलकर बने होते हैं, तो एओआई लॉजिक सर्किट किसको बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे लॉजिक सर्किट जो केवल एओआई से मिलकर बने हो, ए का मतलब हुआ एंड गेट, ओ का हुआ और गेट, एंड आई का हुआ इन्वर्ट गेट, इट मीन्स नॉट गेट। नॉट गेट को हम इन्वर्ट गेट भी बोलते हैं। ये एओआई लॉजिक सर्किट उसको बोलते हैं जो वैसा लॉजिक सर्किट जिसमें केवल बस इन्हीं तीनों लॉजिक गेट्स का यूज हुआ, ठीक है। कोई भी लॉजिक सर्किट को हम इन तीनों लॉजिक गेट का यूज कर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा केवल हम एंड गेट का यूज कर डिजाइन कर रहे, नहीं, इन तीनों का तो यूज होगा ही होगा। इसलिए वैसे लॉजिक सर्किट जिसमें केवल हम इन्हीं तीनों का यूज करेंगे और किसी लॉजिक गेट्स का यूज नहीं करेंगे उसको बोलेंगे एओआई लॉजिक सर्किट। ये एक छोटा सा टर्म था, मैं आपको बता दिया। अब आते हैं एक यूनिवर्सल गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट दो होते हैं, कौन कौन से, नैंड एंड नॉर। अब इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अकेले अगर कोई भी लॉजिक सर्किट हो उसको अगर हमको डिजाइन करना हो केवल हम नैंड गेट का यूज कर डिजाइन करना चाहें, केवल नैंड गेट उसमें यूज होगा तो हम कर सकते हैं कोई भी लॉजिक सर्किट। अगर केवल हमको नॉर गेट से यूज करना हो तो केवल हम नॉर गेट का ही उसमें यूज करेंगे और कोई नहीं होगा, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली किसी भी लॉजिक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे हम एक एक करके देखते हैं दोनों को, नैंड गेट, नैंड गेट का आप एक छोटा सा ये एक्सप्रेशन याद रखिए, नॉट प्लस एंड, ठीक है। नैंड गेट दो गेट से मिलकर बना हुआ, नॉट गेट से और एंड गेट से, ठीक है। इसलिए इसका सिंबल भी थोड़ा सा दोनों का कॉम्बिनेशन का होगा, ये हमने बना लिया एंड गेट, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया नॉट गेट का एक थोड़ा सा सिंबल, ये हमारा बन गया नैंड गेट। ए बी एंड वाई दो इनपुट है और एक आउटपुट, आप इनपुट दो तीन चार जितना भी लगाना मर्जी है आप लगा सकते हो, और इसका एक्सप्रेशन भी वैसे ही होगा, ए बी तो हमारा हो गया एंड गेट का और नॉट गेट भी लगा हुआ है तो आप उस पर बार लगा दीजिए। इसमें होगा क्या कि आप एंड गेट का जो भी आउटपुट होगा आप उसको चेंज कर दीजिएगा, उल्टा जीरो आएगा तो वन कर दीजिए, वन आएगा तो जीरो कर दीजिए। ऐसे आपको हम इसका टू टेबल बनाते हैं, ए बी एंड वाई, ठीक है, जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन, ये हमारे इनपुट्स हो गए। अगर एंड गेट होता तो क्या होता, जीरो जीरो पर जीरो होता, लेकिन ये नैंड है तो एंड का जो आएगा उसको एक बार और चेंज कर दें, जीरो जीरो पर जीरो वन, जीरो वन पे जीरो फिर वन, वन जीरो पे जीरो वन, वन वन पे, वन वन पे क्या आता, वन आता, वन वन मल्टीप्लाई किया वन आएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर निगेशिएशन है इट मीन्स जीरो। तो हमारा है हो गया नैंड गेट।
आप नैंड गेट का थ्री इनपुट वाला भी बना सकते हैं। अगर आप थ्री इनपुट लेते हैं, ठीक है, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो फोर एंड ये फाइव सिक्स एंड ये सेवन, जीरो जीरो पे जीरो होगा, लेकिन ये क्या होगा, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, ए बी एंड सी थ्री आएगा, और इसका लॉजिक सिंबल में भी आपको क्या करना होगा, थ्री इनपुट को बस थ्री पर लगा देना होगा और कुछ नहीं, ए बी सी। आप चार लगा दें, पांच लगा दें, जितने आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रूथ टेबल चेंज हो जाएगा और आपका लॉजिक एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये जैसे ये बना दिया था, जीरो जीरो पे जीरो आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, वन, तो इसका भी वन आएगा, ये भी वन आएगा, वन 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 इंटू जीरो, तो जीरो का क्या हो जाएगा, वन 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 वन, और इसका क्या होना चाहिए, वन, इसका आएगा जीरो। ठीक है, नैंड गेट कुछ नहीं है, एंड का जो आउटपुट आता है उसको एक बार और उसमें नॉट गेट लगा देना है, अगर एंड का अगर आउटपुट जीरो आता है तो वन कर देना, वन आता है तो जीरो कर देना, ये होता है नैंड गेट। अब हम देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट को आप ऐसे याद रख सकते हो, नॉट प्लस और, इट मीन्स नॉर गेट क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू गेट्स है, नॉट गेट और गेट, और ये चीज़ आप इसके लॉजिक सिंबल से भी देख सकते हो, ये हमने बनाया और गेट, ठीक है, टू इनपुट का, और इसके आगे लगा दिया ये एंड का सिंबल, ए बी एंड वाई, ये हमारा टू इनपुट है और सिंगल आउटपुट, आप इनपुट दो तीन चार जितना लेना है आप ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका, अगर आप थ्री इनपुट लेते हो कुछ करना नहीं है, बस आपको एक थ्री इनपुट को भी आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ए बी एंड सी, ये हो गया आपका लॉजिक सिंबल। अब आपका एक्सप्रेशन वाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी कब होता है, जब और गेट होता है, लेकिन इसमें नॉट भी है, इट मीन्स ऊपर एक बार लगा दीजिए, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसके ऊपर बार, क्योंकि इसमें और गेट भी है और नॉट गेट भी है। अब आप इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं, ए बी एंड वाई, मैं अभी टू इनपुट का बना रहा हूँ, इसमें क्या होगा, जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन, जीरो जीरो पे जीरो होता, जीरो जीरो जीरो, लेकिन ये लगा हुआ है बार, इट मीन्स वन हो जाएगा, वन जीरो प्लस वन वन, उसका उल्टा जीरो, वन प्लस जीरो वन, इट मीन्स जीरो, वन 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 जीरो, वन 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 एट किया, वन आया, लेकिन इसके ऊपर बार है, तो वन का अपोजिट जीरो। अगर आप थ्री इनपुट लेते हैं, ए बी एंड सी एंड वाई, ठीक है, जीरो 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 वन, ये टू हो गया, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एक्चुअली ये क्या बाइनरी है, बाइनरी नंबर है, जीरो का बाइनरी, वन का बाइनरी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ये जो लिखते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो जाएं कि किसको पहले लिखें, तो ये सिंपल बाइनरी नंबर है, जीरो जीरो को ऐड किया, जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये नॉर गेट है, उसके ऊपर नॉट भी लगा हुआ है, वन वन जीरो, वन टू जीरो, वन जीरो वन जीरो, ये वन प्लस वन किया, वन आना चाहिए, लेकिन उस पर बार लगा हुआ, जीरो, टोटल जीरो होगा, केवल एक ही आएगा, ये हमने देखा नॉर गेट। अब हम देखते हैं और दो और गेट है, एक्सोर और एक्सनोर। अब हम दो और गेट देखेंगे, एक्सोर
एंड एग्नोर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एग्जोर से। एग्जोर में होता क्या है, इसका लॉजिक सिंबल कैसा होता है, ये हमने और गेट बनाया, ठीक है, ये एक और बनाएंगे, दो, इन दोनों के बीच में स्पेस होना चाहिए, ए बी एंड वाई, ये हमारा आउटपुट हो गया। इसमें दो से ज़्यादा इनपुट नहीं हो सकता है, ठीक है, एक कंडीशन है इसकी, वाई इक्वल टू, इसका लॉजिक एक्सप्रेशन क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए प्लस किया सर्कल किया बी, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का होता है, ओरिजिनल ये एक्सप्रेशन ही होता है, ठीक है। अब आप इसमें कंडीशन ये है कि आप दो इनपुट से ज़्यादा नहीं ले सकते, देन अगर आपके पास तीन चार इनपुट हो, तो अगर हमको एक्सओर गेट यूज करना हो, देन हम क्या करेंगे, तो हम उस केस में क्या करेंगे, दो इनपुट लेंगे एक आउटपुट, इसका आउटपुट को एक एक और यहाँ पर एक्सओर लगाएंगे और एक इनपुट लेंगे, वहाँ पर मल्टीपल हमें एक्सओर गेट यूज करना होगा और एक्सओर गेट का दो से ज़्यादा इनपुट नहीं हो सकता। अब आप हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, जीरो 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 वन वन जीरो एंड वन वन, ये एक्सप्रेशन है वाई इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। हमारे पास इनपुट्स क्या क्या हैं, जीरो जीरो, ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, इस एक्सप्रेशन पुट करो, ए इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू बी इक्वल टू, हमारे पास जीरो है लेकिन यहाँ पर क्या बी बार है, इट मीन्स जीरो का उल्टा क्या होगा वन, प्लस ए बार, इट मीन्स ए जो है उसका उल्टा, ए जीरो है इसका उल्टा क्या होगा वन, इंटू बी हमारा क्या है जीरो, बी टू जीरो, ये क्या होगा जीरो प्लस जीरो, इट मीन्स जीरो। अब हमारे पास ए हमारे पास जीरो है और बी हमारे पास वन है, और फिर इसे एक्सप्रेशन पुट करो, वाई इक्वल टू क्या ए जीरो बी बार, बी बार बोले तो बी जो है उसका उल्टा वन है तो जीरो, प्लस ए बार, ए बार बोले तो ए जो है उसका उल्टा, ए हमारे पास जीरो है, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा वन, वन इंटू बी हमारे बी, तो बी एज इट इज़ वन, ये तो जीरो हो गया, वन इंटू वन वन, तो वाई इक्वल टू हमारे पास वन है। वैसे ही आप इसको भी कीजिए, तो ए इक्वल टू हमारे पास वन है और बी इक्वल टू हमारे पास जीरो है, तो वन पुट करेंगे, वन और बी बार वन, प्लस ए बार जीरो हो जाएगा और बी तो बी, तो ई हो गया वन, ए भी वन, वन वन है, ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू वन, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वन इंटू बी बार वन का उल्टा जीरो, प्लस ए बार वन का उल्टा जीरो इंटू बी वन, जीरो प्लस जीरो, ए जीरो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर सिमिलर इनपुट होगा लाइक जीरो जीरो और वन वन, सेम इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा जीरो, अगर अलग अलग इनपुट होगा तो हमारा आउटपुट क्या आएगा वन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंटी कोइंसिडेंट गेट भी बोलते हैं, क्योंकि करता क्या है ये, जब दो कोइंसिडेंस है, दोनों जीरो जीरो है वन वन है, तो हमारा आउटपुट क्या होता है जीरो जीरो। एंटी कोइंसिडेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कोइंसिडेंस होता है उस वक्त इसका क्या आता है जीरो आता है। इस लॉजिक गेट्स को हम इनइक्वलिटी डिटेक्टर भी बोलते हैं। इनइक्वलिटी डिटेक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें ये बताता है कि हमारा जो दो इनपुट है ए और बी, वो दोनों सेम है या अलग अलग है। क्यों, अगर सेम होगा, दोनों अगर सेम हो, जीरो जीरो हो या वन वन हो, हमारा आउटपुट जीरो आएगा, अगर अलग अलग है तो हमारा आउटपुट वन आएगा। तो हम आउटपुट को देखकर ये बता सकते हैं कि हमारा जो दो इनपुट है वो दोनों सेम है या अलग है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं इनइक्वलिटी डिटेक्टर। अब हम देखते हैं अपना लास्ट लॉजिक गेट्स, एग्जनोर, ठीक है, एग्जनोर, एग्जनोर को आप ऐसे याद रख सकते हो, एग्जनोर इक्वल टू नॉट प्लस एग्जोर, एग्जोर जो गेट है उसमें आप नॉट गेट लगा दो तो आपका बन जाएगा एग्जनोर, सिंबल भी वैसे ही कुछ है, ये आपने एग्जोर गेट बनाया, अब यहाँ पे नॉट गेट लगा दो, ठीक है,
ए बी एंड वाई, ये आपका आउटपुट हो गया। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन यही है कि इसका इनपुट 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल इनपुट है तो आपको मल्टीपल 2 इनपुट एक्सओर गेट यूज करना होगा, ठीक है। अब इसका लॉजिक एक्सप्रेशन देखिए, लॉजिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है। आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए डॉट करके सर्कल कर दीजिए और बी, ठीक है। ये जो होता है आप ऐसे भी कर सकते हो, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये आपका किसका एक्सप्रेशन है, एक्सोर का। और ये क्या, एक्सनोर, इट मीन्स इसमें आपको नॉट गेट लगाना है। तो आप सारे ऊपर ये नॉट गेट लगा दिया आपने, तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, सबका मतलब सेम है, एक्सनोर ही है। अब हम इसका क्या करते हैं, एक ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ए बी एंड वाई हमारा आउटपुट हो गया, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ठीक है। इसका क्या है कि अगर सेम इनपुट होगा, ठीक है, तो हमारा आउटपुट 1 आएगा। सेम इनपुट 0 0 आउटपुट 1, सेम इनपुट 1 1 आउटपुट 1। अगर अलग अलग इनपुट होगा, डिफरेंट होगा, आउटपुट हमारा 0 होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे 0 0 को इस एक्सप्रेशन में पुट कर कभी आप वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने याद करने के लिए बता दिया, अगर सेम इनपुट है इट मीन्स 1, अगर अलग अलग इनपुट है इट मीन्स 0। अब तक हमने देखा एंड गेट और नॉर एक्सॉर वगैरह वगैरह जो भी गेट देखा, अब हम उसको एक क्वेश्चन से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि उसका यूज कैसे होता है। ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। तो इसमें है क्या, 2 इनपुट है आपका, ये वोल्टेज लेवल है, ये लो लेवल है, ये हाई, लो हाई, ऐसे दिया हुआ है, लो हाई, ये हाई चल रहा है अपना। अब आपको बताना है कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अगर आप एंड गेट यूज करते हो या और गेट यूज करते हो, हर अलग अलग गेट पे आपका आउटपुट अलग अलग होगा। अगर मैं एंड गेट का ले लूँ, ठीक है, तो एंड गेट पर क्या होगा, ये 0 0, अगर मैं आउटपुट को वाई से रिप्रेजेंट करूँ, हमारा आउटपुट भी 0 होगा। 1 1, इट मीन्स हमारा आउटपुट भी 1 जाएगा, हाई। ये 0 ले लो, 1 ले लो, 0 0 1, आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ऐसे, 0 1 1 0 0 1, ठीक है। ये 1 1 पे हमारा आउटपुट 1 हो गया, 0 1 0 1 पे हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम किस गेट को यूज कर रहे हैं, एंड गेट को। 0 0 पर हमारा आउटपुट 0 रहेगा, 1 0 फिर भी हमारा 0 रहेगा, 0 1 फिर भी हमारा 0 रहेगा। तो ये हमारा आया एंड गेट की वजह से आउटपुट, ठीक है। अगर हम वही अगर और गेट यूज करें, यहाँ पर वाई1 देता हूँ, वाई2, अगर हम और गेट यूज करें तो 0 0 पर हमारा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। 1 1 पे हमारा आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। 0 1 पे भी हमारा आउटपुट 1 होगा क्योंकि और गेट है। 0 0 पे, 0 0 पे हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट 0 हो जाएगा। 1 0 1 0 पे हमारा आउटपुट फिर 1 हो जाएगा, 0 1 फिर भी हमारा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट आया और गेट की वजह से। इस तरह हमने देखा कि अगर हम अलग अलग आउटपुट पे गेट अलग अलग लगाएं तो हमारे इनपुट के अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट कैसे चेंज होगा। ये होता है यूज़ हमारा एंड गेट और गेट नॉट। यहाँ पर आप कोई भी गेट लगाकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लॉजिक गेट्स अगर समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको लॉजिक गेट्स से रिलेटेड या पीछे हमने जो भी बताया पढ़ाया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप हमको कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो।